نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو دنیا دی جو چند روزہ زندگی رب العالمین نے عطا فرمائیے اس چند روزہ زندگی دے اندر تین ایسیاں چیزاں نے جدے نال بندہ بڑا پیار کردے اینا تینا چیزاں دے نال بندہ بڑی محبت دا اظہار کر دے او تین چیزاں کیڑیاں کیڑیاں نے بندہ رب کولو دعا کر دے اللہ اولاد دے جدو رب اولاد عطا کردا ہے اس اولاد نال والدین بڑا پیار کردے نے اولادا پاویں ماں باپ نال پیار کرن یا نہ کرن لیکن والدین
अपनी औलाद नाल प्यार करते ने, मुहब्बत का इजहार करते ने। और नंबर दो, बंदा रब कोलो दुआ करदा, अल्लाह आ दुनिया का मालो मनाल भी अता फरमा दे। जदो माल मिल जांदा बंदा माल नाल भी बड़ा प्यार करदा, माल नाल मुहब्बत का इजहार करदा। और इहदे बाद औलाद मिल गई है, मालो मनाल मिल गया, बंदा हुण चाहुंदा मैनू दुनिया की इज्जत भी मिल जाए। इज्जत की खातर बंदा बड़े बड़े पापड़ भी वेलदा, इज्जत की खातर बंदा बड़े बड़े धक्के भी खांदा, इज्जत की खातर बाद आंदे ने ना सुनिया होएगा, इज्जत हासिल करन दी खातर बंदा माल कुर्बान कर देंदा है, और बाज दफा इज्जत वास्ते बंदा औलाद भी कुर्बान कर देंदा है। कि इज्जत लब जाए और इज्जत हासिल करने वास्ते बंदा कदी लाहौर जांदा है, कदी जनाब कराची जांदा है, कदी अमेरिका जांदा है, कदी किसे मुल्क जांदा है, धक्के खांदा नजर आउंदा कि इज्जत लभ जाए। और इज्जत वास्ते लोग समझदे ने कि इज्जत चेयरमैन बन जाओ तो इज्जत लभ जाएगी, एम पी ए एम एन ए दी सीट लभ जाए तो बड़िया ये अंदर इज्जत ने। मैं वक्त का हुक्मरान बन जा ये अंदर बड़िया इज्जत ने। आख लो इज्जत वास्ते ही ने हुक्मरान बैरून मुल्क भी चले जान, चलो पाकिस्तान के अंदर चलिए जाके हुकूमत करिए। लोग तैयारियां कर रहे ने कि कल मियां साहब का इस्तकबाल करना है जी लाहौर के अंदर। आओ ना जरा गौर करे, अजे मक्के दे अंदर नवे नवे जड़े मुसलमान होए ने उन्होंने वेखिया जेड़े काफरां दे सरदार बड़े बड़े ने, उन्हां दी बड़ी इज्जत है, बड़ा उन्हां दा वकार है, उन्हां नाल ताल्लुकात बनाने चाहिए ने, राबता होना चाहिए। आज नहीं बंदा सोचदा ए महल्ले दा बड़ा है, ए जनाब इलाके दा चेयरमैन है, एम पी ए एम एन ए वे जदों इहदे नाल ताल्लुकात कायम करने आ इहदी वजह तो साडी इज्जत भी बरकरार रहेगी। और जदों इन्हां मुसलमानां ने ये अंदाज इख्तियार फरमाया ने, अल्लाह जुल जलाल ने रहिंदे दुनिया तक लई कुरान बना के आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नाजल फरमा दिता है। ये इज्जत लभ दे ने इन्हां नाल ताल्लुकात दी वजह तो, लेकिन अल्लाह दा कुरान दरा समात फरमा लो। अल्लाह दुल जलाल ने आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते अपना कुरान नाजल फरमा दिता है। सुन लो जरा पैगाम में खुदावंदे, अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने अल्लज़ीन यत्तखिज़ूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन।
कुरान जे मेरी अपनी बनाई गल नहीं, अल्लाह दा कुरान है। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयबतगूना इंदहुमुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने, ए मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम जी, ए जेड़े तुआडे मनन वाले ने, तुआडे परवाने मुसलमान जेड़े ने, इन्हां ने समझे आए, आ जेड़े दुनियादार ने, इन्हां दे वजह तो सानू इज्जत मिलेगी, इन्हां दे वजह तो साडा वकार हो जाएगा। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने, ना ना मेरे प्यारे महबूबा, अयबतगूना इंदहुमुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया। इज्जत सारी दे सारी अल्लाह वास्ते वे, जेड़ा बंदा अल्लाह दी कदर करेगा, जेड़ा बंदा अल्लाह दी इज्जत दा ख्याल रखेगा, अल्लाह दुल जलाल ओदी इज्जत दुनिया वालियां दे दिलां दे अंदर पैदा फरमा देंगे। जेड़ा रब दे अहकामात नूं मनदा नजर आवेगा, जेड़ा अल्लाह दुल जलाल दे तौहीद दा इकरार कर लवेगा। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने, मैं रब्बुल आलमीन दुनिया दे अंदर भी ओनू इज्जत अता फरमा देवांगा, कयामत वाले दिन भी अल्लाह ओनू इज्जत अता फरमा देंगे। इज्जत देने वाली जात कौन है? इज्जत देने वाला बोलो कौन है? मैं नहीं जे कह रहा, अल्लाह दुल जलाल दा कुरान दा मुकाम एक और जरा समात फरमा लो। अल्लाह दुल जलाल ने कितना प्यारा कुरान नाजल फरमा देता है। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने, ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मेरे प्यारे महबूबा, मैं रब तुहाडे ते अपना कुरान नाजल फरमा रहा वाए, तुसी अपनी जबान नबुवत तो फरमा देवो। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा वतन से उल मुल्क मिम्मन तशा व तो ये जो मन तशा व तो जिलो मन तशा भैया देखल खई। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह दुल जलाल दी जात ओ जात, अल्लाह जिन्हों चाहते ने हुकूमत अता फरमा देंदे ने, और अल्लाह जिदे कोलो चाहते ने हुकूमत खोलिया करते ने। और रब ने वेख लो कितनी प्यारी बात का तस्करा फरमाया, अल्लाह जिन्हों चाहते ने वक्त का हुक्मरान बना देंदे ने, अल्लाह जिन्हों चाहते ने तख्तों ते बैठा देंदे ने, अल्लाह जिन्हों चाहते ने तख्तादार ते लटका दिया करते ने, अल्लाह जिन्हों चाहते ने हुकूमत अता फरमा देंदे ने। रब आ कह रहे ने, जिदे कोलो असी चाहिए हुकूमत खो लईए, पता ये लगा जिन्हों हुकूमत लभ जाए वह छड़न ओदा दिल करदा।
बोलो छड़न जी करदा। इत्थे महल्ले दी एक कुर्सी मान ने ये ते फिर वक्त दे हुक्मरान ने न इन्हां दा दिल किथे करदा कि असे जनाब कुर्सी छड़ दईए हकूमत नू खैर बात कह दईए। ये अल्लाह जुल जलाल कह रहे ने ये साडियां मर्जियां ने, असी चाहिए हकूमत अता फरमा दईए, असी चाहिए तख्त जनाब तख्तों तो उतार के इनू बैरून मुलक दे अंदर सुट दईए या जेल दे अंदर डाल दईए, साडियां मर्जियां ने। अल्लाह जुल जलाल अगले बात का तज़किरा फरमा रहे ने वा तो ये ज़ुमन तशा वा तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह जिन्हों चाहते ने इज्जत अता फरमा देंदे ने, अल्लाह जिन्हों चाहते ने जलील करके रख देंदे ने। इज्जत देन वाला भी अल्लाह है ते जे जलील करन ते आ जाए ते रोकन वाला कोई नहीं है। आवे खलब ना पता ये लगा है वा तो ये जो मन तशा वा तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह जिन्नो इज्जत देन ते आ जाने सारा जग मिलके जलील करन दा प्रोग्राम बना लवे ते जलील नहीं जे कर सकदा है। जिन्नो रब जलील करन ते आ जाए सारा जहान मिलके इज्जत देना चाहे ते इज्जत दे कोई नहीं जे सकदा है। वा तो ये जो मन तशा वा तो जिल्लो मन तशा बे याद कल खये पता ये लगा इज्जत देने वाला कौन है। अल्लाह जुल जलाल कुरान बना के नाजल फरमा रहे ने मन का न युरे दुल इज्जत, मन का न युरे दुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमीआ। अल्लाह जुल जलाल वेख लो कुरान नाजल फरमा रहे ने आज लोग चाहते ने इज्जत दे मालक बन जाइए, इज्जत दे हकदार बन जाइए, अपने भी इज्जत कर दे नजर आने, महल्ले वाले इज्जत कर दे नजर आने, इलाके वाले जे जे करके बुलाते नजर आने, इज्जत की खातर बंदा धक्के दर दर दे धक्के खाता नजर आ रहा है, इज्जत की खातर माल लुटा नजर आ रहा है, इज्जत की खातर जनाब दिन रात एक करदा नजर आ रहे हैं। आओ जरा गौर करे आज ये ते कुरान है ना कुरान है। आमीना दिलाल इमाम उल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जबाने नबुव्वत तो निकलियां होइयां प्यारियां प्यारियां बातां भी जरा नोट करके ले जाए आजे। चंद एक अमाल तो अनु ऐसे बतला जाव जिदी वजह तो अल्लाह इज्जत अता फरमा देंदे ने। ऐसे अमल तो आडे गोश गुजार करना चाहना अल्लाह दुनिया ते भी इज्जत दे देंगे, कयामत वाले दिन भी अल्लाह जुल जलाल इज्जत अता फरमा दे देने। आज खौर करे आजे आमीना दिलाल अली सलातो सलाम अपनी जबाने नबुवत फरमा रहे ने मेरी अपनी बनाई गल नहीं जे, ओ प्यारे पैगंबर अली सलातो सलाम कह रहे ने आका अली सलाम फरमा रहे ने ये मेरी उम्मत वाले हो आ रब दे जेड़े प्यारे प्यारे घर ने इन्हां घरां नाल दिल तुसी ला लो इज्जत अल्लाह दे देवेगा।
रब दे करा नल प्यार तुसी पा लवो, इज्जत अर्श वाला रब ता फरमा देवेगा। रब दे करा नल मुहब्बत कर दे जाइए, इज्जत अल्लाह ता फरमा देंगे। ये मैं ते नहीं ना कह रहा है, ओ प्यारे पैगंबर अली सलातो सलाम कह रहे ने, जेड़े अपनी मर्जी नाल बोलते नहीं है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा जे अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने, वन नजम इज़ा हवा। उची कह दियो इना को जोर इधरों भी ला दियो, वन नजम इज़ा हवा, मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा, व मा यन्तिकु अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। वेख लो कितना प्यारा अंदाज़ है, जिदे लबां दे उते रब बोलदा है, जिदे लबां दे उते रब बोलदा है, सोना रहमत मोती रोलदा है, जिदे लबां दे उते रब बोलदा है, सोना रहमत मोती रोलदा है, ओदा बोलना रब दा कुरान आया, ओदा बोलना रब दा कलाम आया, कायनात दा बन के इमाम आया, ओए जिदे हुसन दे जग विच तुम पै गए, ओ ते नबियां दा सुल्तान आया। अंदाज कैसा प्यारा ते निराला है, जिदे हुसन ते रब भी नाज करे, जिदे हुसन ते रब भी नाज करे, ओदे नाल केड़ा परवाज करे, जिदे हुसन ते रब भी नाज करे, ओदे नाल केड़ा परवाज करे। ताहा यासीन मुजम्मिल दे, ताहा यासीन मुजम्मिल दे, पा रब कोलो लकब ते शान आया। ओ प्यारे पैगंबर अली सलातो सलाम, वेख लो कितनी प्यारी बात दा तज़किरा फरमा रहे ने, अल्लाह दे करा नाल प्यार पा लवो, अल्लाह तुहानू इज्जत अता फरमा देवेगा। और वह भी वेला आया न, एक काले जे रंग दी बेबी है, अल्लाह दे घर मस्जिद नबवी दियां सफाइयां करिया कर दिए, आका अली सलातो सलाम किसे सफर तो वापस आए ने, चंद दिन गुजर गया ने, अकाली सला तो सलाम फरमांदे ने, ए मेरे ओ सहाबियो, ओ प्यारी अम्मा जेड़ी से सफाइयां करया कर दी सी, ओ नजर नहीं आ रही, खैर की होया, उन्हों किथे गई है। सहाबा कहन लगे, अल्लाह दे नबी जी है, ओ ते फौत हो गई है, असी ओदा जनाजा पढ़ के ते दफन कर दिता है। प्यारे पैगंबर अली सलातो सलाम फरमांदे ने, ए मेरे ओ सहाबियो, तुसा उस बेबे नो आम औरत तसव्वुर कीता है के चलो आम जई औरत मस्जिद दियां सफाइयां करन वाली है, आम औरत मैं रब दा नबी कह रहा वां, ओ आम औरत नहीं जे, ओ ते बड़ियां इज्जतां वाली औरत है। अकाली सलातो सलाम फरमा ने,
दुल्लोनी अला कबर हाँ। सही अल बुखारी दी रिवायत जे दुल्लोनी अला कबर हाँ। मैनू सौरा दे कबर दे ते लैके चलो। आमीना दे लाल अली सला तो सला में उस औरत दे कबर ते गया ने ते कबर ते जाके जनादा अकाली सलाम पढ़ देने ते दुआवां कर रहे ने। यारे दे नालो वद इज्जत वाला कौन है जिदे वास्ते आमीना दे लाल रब कोलो दुआवां कर रहे ने। अल्लाह मैं एदे ते राजी तुम ही एदे ते राजी हो जा। पता ये लगा इज्जत देन वाला कौन है मन का ना योरे दुल इज्जत आए मन का ना योरे दुल इज्जत आए फलिल्लाहि इज्जत अगर चाहते जे इज्जत दे हकदार बन जाइए अगर चाहते जे रब इज्जत ता फरमा देवे अल्लाह जुल जलाल इज्जत ता करने वाले ने अल्लाह ते ओदे नबी दे आखे लग दे जाओ अल्लाह तुहानू इज्जत ता फरमा दे जानगे। पहला अमल मैं ये दसिया है रब दे करां नाल प्यार करया करो रब दे करां नाल मुहब्बत करन लब कपवो अल्लाह तुहानू इज्जत ता फरमा देवेगा। और नंबर दो आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने आ जेड़ा रब दा कुरान है इस कुरान नाल प्यार पा लवो अल्लाह इज्जत ता फरमा देवेगा। आ जड़े दर दर दे धक्के खान डे आ ना ते लोकां दे जाके तरले करने आ ते जलील हो रहे हैं रुसवा हो रहे हैं एदी मेन वजह ए वे असा अल्लाह दे कुरान नू छड़ दिता है। अज जुमे वाला दिन है मैं सोचा तुसी अपनी जगह ते सोचो साडे चो किन्ने ऐसे ने जिन्ना ने अज सूरत अल काहफ दी तिलावत की है ते जे जवाब नफी दे अंदर आए ना ते सोची पै जा मेरा कुरान नाल किन्ना को प्यार है ते मैं इज्जत कित्थों लभण डिया वा। प्यारे पैगंबर अली सलातो सलाम अपनी जबाने नबोवत तो फरमा रहे ने कुरान नाल प्यार पा लवो कुरान नू कसरत दे नाल दिल लगा के पढ़िया करो। जदो कुरान नू दिल लगा के पढ़ोगे ते अल्लाह इज्जत ता फरमा देंगे। और ए वेला ओ भी आया एक दिन प्यारे पैगंबर अली सला तो सलाम हजरत उबई बने काब रजी अल्लाह ताला अनहो नू कह लगे ओ भाई प्यारे आज जरा मैनू कुरान पढ़ के ते सुनाना। हजरत ओ भाई बने काब रजी अल्लाह ताला अनहो बड़ी प्यारी आवाज नाल कुरान तिलावत करया कर दे बड़ी सोहनी आवाज नाल कुरान पढ़िया कर दे। अकाली सला तो सलाम फरमा रहे ने ओ भाई प्यारे मैनू जरा अज कुरान ते पढ़ के सुनाना है। हजरत ओ भाई बने काबे रजी अल्लाह ताला अनहो कह लगे अल्लाह दे नबी जी कुरान तुहाडे ते उतारिया जांदा है जिस अंदाज नाल तुसी कुरान पढ़दे हो मैं ते उस अंदाज नाल कुरान नहीं ना पढ़ सकदा है। तुसे कुरान पढ़दे जाओ मैं तुहाडा कुरान सुनदा जावांगा। अकाली सलातो सलाम फरमा रहे ने ओ भाई प्यारे मैं नहीं कह रहा
अर्शवाला रब कह रहे है सोने आओ भाई नो आखो कुरान पढ़ के सुनांदा जाए ओदी अजमत दे क्या कहने वो किन्नी इज्जत वाला होएगा जिन्नू आमिना दे लाल कह रहे ने के रब ने मैनू आखे है सोने तुसी बह के कुरान उबई कोलो सुनो ते उबई प्यारा कुरान सुनांदा जाए अज साह खिंचदा पिया सैट करो प्यारे पैगंबर अली सलातो सलाम जदो इनिया गल्लां करदे ने जनाब उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अनु इंज नीवियां पा लैंदे ने ते अखां डुल जांदियां ने मैं किन्नियां मुकद्दरां वाला मैं किन्नियां पागां वाला जिन्नू अर्श वाला रब कह रिहा के कुरान है प्यारे आजरा ओ भाई कोलो कुरान ते सुनदे जाओ ना मन का ना योरे दुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमीआ वेख लवो ना है अल्लाह जुल जलाल दे कुरान नल प्यार पा लईए अल्लाह दे कुरान नल मुहब्बत पैदा फरमा लईए ए वेख लो जेड़ा कुरान नल प्यार पा लैंदा है कुरान नल मुहब्बत पैदा कर लैंदा है ए ते दुनिया दे अंदर इज्जत ने ए ते दुनिया दे अंदर मुकाम मर्तबा है अल्लाह कुरान दे वजह तो अता फरमा दे ने कयामत वाला दिन होएगा मैशर दा मैदान लगा होएगा जदो जन्नती जन्नत दे अंदर दाखल हो जाएंगे जेड़ा कुरान दा हाफज है जेड़ा कुरान दा कारी है अल्लाह दुल जलाल फरमानगे इकरा वरता के वरतिल कमा कुंता तो रतिल कमा कुंता तो रतिल फे दुनिया ओए कुरान दे कारी कुरान दे हाफ़ज़े दुनिया दे अंदर कुरान पढ़दा रहा सै दुनिया दे अंदर रज रज के मजे लै लै के मेरे कुरान दियां तिलावतां करदा रहा सै आ वेख लैना अज जन्नत दे अंदर आ गया है अलिफ लाम मीम तो कुरान पढ़ना शुरू कर दे ते दर्जे चढ़दा जाए सीढ़ियां जन्नत दियां चढ़दा जाए कुरान पढ़दा जा तरतीब दे नाल जिथे आखरी सूरत आखरी हरफ वन्नास दे सीन आएगी अल्लाह दुल जलाल फरमांदे ने ओए कुरान दुनिया ते पढ़न वाले आए जिथो कुरान शुरू कीता सही है ते पढ़दा जांदा सै चढ़दा जांदा सै जेड़ी पौड़ी तो शुरू कीता सी पढ़ना है एंड ते पहुंच गया है जिन्ना सफर तय किया ये मैं रब ने इनी जगह तेनू जन्नत दे अंदर अलाट कर दिती है वेख लो दुनिया दे अंदर भी इज्जत है अल्लाह कयामत वाले दिन भी इज्जत ता फरमा देंगे और वेख लो ना जन्नत दे अंदर ऐसे जन्नत प्यारे होंगे आमिना दे लाल अली सलातो सलाम फरमा रहे ने ऐसे प्यारे जन्नती ने तीन किस्म दे बंदे ऐसे होंगे कियामत वाले दिन जिदन हर बंदा परेशान होएगा कोई किसे दे काम नहीं आ सकेगा नफसी नफसी दा आलम होएगा आमिना दे लाल अली सलातो सलाम फरमा रहे ने कियामत वाले दिन तीन किस्म दे बंदे ऐसे होंगे कियामत वाले दिन उन्हां नूं घबराहट भी नहीं होएगी है अल्लाह उन्हां नूं कस्तूरी दे मिंबरां ते बिठा देंगे और नंबर तीन अल्लाह ने उन्हां कोलो हिसाब नहीं लेना है अल्लाह बगैर हिसाब दे उन्हां नूं जन्नत दे अंदर दाखल फरमा देंगे
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका अली सलातो सलाम फरमा रहे ने अल्लाह कयामत वाले दिन बगैर हिसाब दे जन्नत दा हकदार बना देंगे। उन्हें तिना बंदिया चो एक बंदा प्यारा ओ होएगा राजोलोन करंगल कुरा जेड़ा रात दियां तारीकियां वेले कुरान पढ़न वाला है जेड़ा रात दियां तारीकियां वेले कुरान दियां तिलावतां करन वाला है ते राज राज के कुरान पढ़न वाला है मोबाइल नो छड़ देंदा है नेट ते रात बर्बाद नहीं करदा है फेसबुक चलांदियां रात नहीं गुजार देंदा है रात दे सन्नाटे दे अंदर पिछली रात वेले मौका रब ने अता फरमा देता है उठ के इन्हें वजू कर ले आए ते दो रखता इन्हें पढ़ लिया ने फिर कुरान खोल के ते बह जाता है ए राज राज के मजे ले लेके कुरान पढ़ी जाता है यासीन वाल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम कुरान खोल के ते पढ़दा जा रहे आए या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैल इल्ला कलीला निस्फहु अव इन्कुस मिन्हु कलीला आओ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ये रातां वेले कुरान पढ़न वाला है कियामत वाले दिन कस्तूरे दे मिंबरां ते बह जाएगा है इनू जनाब डर नहीं होएगा खौफ नहीं होएगा है अल्लाह इनू इन्नी इज्जत दा मालक बनाएंगे इन्नियां इज्जतां अल्लाह ता फरमा देंगे ऐलान हो जाएगा मेरे प्यारे आए मेरे प्यारे कुरान पढ़न वाले आए जा मैं अज तेनो सारे मैं शर्दे मैदान दे अंदर लोकां दे वेंदियां इन्नियां इज्जतां दे रहा वां जा बगैर हिसाब दे मेरे जन्नत दे अंदर दाखल हो जाए ओ जन्नत उथे रहमतां दे चल दे फवारे होणगे उथे रहमतां दे चल दे फवारे होणगे विच जन्नत तांदे अजेब नजारे होनगे। हाजी राशा साहब अंदाज बड़ा प्यारा जे अल्लाह जिवें तेरे घर आयशा मस्जिद के अंदर आके बह गया जन्नत विच भी इंजी कट्ठे आई लै जा लगदा जी नहीं करदा तुहाडा जानो अल्लाह सारियां नूं जन्नत के अंदर लै जा। ओ समा केड़ा सोना पोरे बहार होवेगा ओ समा केड़ा सोना पोरे बहार होवेगा जिस वेले सोने रब दा देदार होवेगा उथे वेंदे अल्लाह पाक नो सारे होनगे विच जन्नतां दे अजब नजारे होनगे। पहले पुजी होई मच्छे दे मेहमानी होवेगी हमेशा रहन वाली बाई जवानी होवेगी तेती सालां दे जवान उते सारे होनगे विच जन्नतां दे अजब नजारे होनगे।
वेख लवो ना जेड़ा बंदा कुरान प्यार पा लवेगा अल्लाह दुनिया ते भी इज्जत अता फरमा दें देने। है गरीब का बच्चा है माड़े घर का बच्चा है ते रमजान का चन चढ़ गया है अगे मुसले ते आके ते खलो गए आए महल्ले दे बड़े बड़े लैन लाडे महल्ले दे बड़े बड़े चौधरी जेड़े ने इस जनाब गरीब बच्चे दे पीछे खलो गया ने ते अल्लाह दा कुरान सुनते नजर आ रहे ने इज्जत इस बच्चे नू मिलिया ने एक गरीब दे बच्चे नू इज्जत मिली है ते कुरान दी वजह तो इज्जत मिली है। और जदो बच्चा कुरान पढ़न वास्ते मदरसे दे अंदर आ रहा हुंदा है आयशा मस्जिद दे अंदर है जदो तालब इलम कुरान पढ़न वास्ते आ रहे हुंदे ने अरशा तो पैगाम आ जांदा है ए मेरे प्यारे फरिश्ते हो ए मेरे बंदे दे बच्चे जा रहे ने जल्दी जाओ एडे प्यारे मैनू लगदे ने मैं रब इन्हां बच्चियां नू इन्नियां इज्जतां दे रहा वां जाओ जाके ते इन्हां दे पैरां दे थले अपने नूरानी परां नू जरा बिछा देवो ना किन्नियां इज्जतां अल्लाह कुरान दे वजह तो दे रहे ने मन का ना योरिए दुल इज्जत फल लाहिल इज्जत जमी आओ ना पहली गल वे अल्लाह दे करां दे नाल जुड़ जाइए अल्लाह इज्जत ता फरमा देंगे। और नंबर दो अल्लाह दे कुरान नाल प्यार पा लईए रज रज के मजे लै लै के कुरान पढ़ते जाइए अल्लाह कुरान दे वजह तो भी इज्जत ता फरमा देंगे। और तुहानू थोड़ा जिहा अगे लै जावा अल्लाह किंज इज्जत ता फरमा देंदे ने वेला वह भी आया वाह वक्त अल्लाह ने वह भी ले आंदा है यहूदियां दे कब्जे दे अंदर बैतुल मुकद्दस है अल्लाह ने इज्जत ता फरमा दितियां ने इन्हां यहूदियां ने ऐलान कर दिता है वक्त दे तुहाडे जेड़े अमीरुल मोमिनीन ने सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अनु ओ साडे कोल आ जान असी जनाब उन्हां नू बैतुल्लाह दियां चाबियां बगैर लड़ाई दई दे देवांगे। वेला गुजरदा नजर आ रहा है खबरां वक्त अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचियां ने सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अनु गुलाम नू नाल ले आए ते एक सवारी नाल लैंदे ने मदीने ओ टुर पैने बैतुल मुकद्दस वल रवाना हो जांदे ने चलदे जा रहे ने चलदे जा रहे ने कहन लगे गुलाम असल दे अंदर सफर बड़ा तवील है ते अगर दोवें सवारी ते सवार होइए ते फिर सवारी ते ज्यादती हो जाएगी है ते जे मैं सवारी ते सवार रवां तेरे ते ज्यादती हो जाएगी है इंज करने आए कदी मैं सवारी ते बह जावांगा कदे तू सवारी ते सवार हो जाया करे। गुलाम कहन लगा अमीरुल मोमिनीन जी इंज दिया गल्ला ना करो तुहाडे हुंदे आ मैं किवें सवारी ते बह जावांगा। जनाबे उमर कहन लगे नहीं मेरा आर्डर है चलदे जा रहे ने चलदे आ चलदे आ जदो बैतुल मुकद्दस दे करीब पहुंच जांदे ने ते वारी सवारी ते बहन दी है गुलाम दी आ गई है नौकर दी आ गई है ते गुलाम कहन लगा अमीरुल मोमिनीन जी यहूदी सामने ने नजर आ रहे ने मैं अपनी वारी तुहानू हिबा कर देना वा अपनी वारी भी मैं तुहानू दे देना वा तुसी
मेरी वारी दीवी है, आ जनाब सवारी ते सवार हो जाओ। ते अमीरुल मोमिनीन कहन लगे, ओए गुलाम किंज दियां गल्लां पिया करना है, जे तेरी वारी है ते तू ही सवारी ते सवार होएगा। सामने अबू अबैदा बिन जर्रा जेड़े जनाब फलस्तीन दे सरदार ने गवर्नर ने अगे आके इस्तेकबाल करते ने, वेंदे ने अमीरुल मोमिनीन दे लिबास ते टाकियां लगियां ने, 18 टांके लगे नजर आ रहे ने, ते जुती चलदियां चलदियां टुट गई है। अपने हाथ दे अंदर जुती पकड़ लैंदे ने, ते एक हाथ दे अंदर सवारी दी मुहार पकड़ दे नजर आ रहे ने। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा कहन लगे, अमीरुल मोमिनीन जी दुश्मन सामने वेंदा नजर आ रहा है, इन्हां पादरियां ने बड़े बड़े महंगे जनाब सोड़ पाए ने, तुसी वक्त दे हुक्मरान हो, मैं बेहतरीन तुहानू लिबास लिया के दे देना वा। टाकियां वाला लिबास उतार के ऐ जेड़ा बेहतरीन लिबास पहन लवो, आ जुती हाथ दे अंदर पड़ी जे इनू सुट दियो ते बेहतरीन जूता मैं तुहानू दे देना वा। इंज ते ना ना करे आजे, बड़ी तोहीन होएगी, इंसल्ट होएगी। ते अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दियां अक्खां डुल जांदियां ने, कहन लगे अबू उबैदा जे तू आमिना दे लाल दा सहाबी ना हुंदा ते मैं वेंदा तेनू किवें सजावां देंदा। असल दे अंदर गल ए वे, तू आना इज्जत लिबास दे अंदर ने, अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, इज्जत लिबास विच नहीं रब ने रखियां, इज्जत अच्छा जूता पान दे अंदर नहीं जे मिलदियां। असल दे अंदर गल ए वे, पुराना वेला याद आ गया है, पुरानियां घड़ियां ज़हन दे अंदर घूमदियां नजर आ रही ने। कहन लगे ओए अबू उबैदा, एक वेला ओ सी है, मैं मक्के वालियां दे ऊंट चराया करदा सां, एक जगह ते अमीरुल मोमिनीन सफर करदे आ, वेला याद आ गया है, एक जगह ते खलो गए ने ते रोई जांदे ने, रोई जांदे ने, अखां बरसदियां नजर आ रही ने। परवाने कहन लगे, अमीरुल मोमिनीन जी खैर ते है वे, क्यों इन्ना रोन डै जे, रो रो के दाड़ी आंसुआ नाल तर जई हो गई है। ते सैयदना फारूक आजम जवाब देंदे ने, ए मेरे ओ साथियो, असल दे अंदर मैनू पुराना वेला याद आ गया है, ऐ ओ जगह जिथे खलो के रोन लग पिया वां, इस जगह ते मैं ऊंट चराया करदा सां, ते मेरा बाप बड़ा सख्त तबीयत वाला सी, मैनू छड़ियां नाल मारिया करदा सी, आंदा सी उमर तेनू ते ऊंट चरान दा वी वल नहीं आउंदा, तेनू ते ऊंट चरान दा वी पता कोई नहीं है, ते मेरे ते सख्ती करदा सी बाप, मैनू मारदा सी, जिस उमर नू ऊंट चरान दा वल नहीं सी आउंदा। अल्लाह ने इस्लाम दी वजह तो 2.5 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान बना दिता है। इज्जत लिबास दे अंदर नहीं, इज्जत किसे और गल्लां दे अंदर नहीं है, इज्जत लभनियां जे ते इस्लाम दे अंदर आ जाओ, इज्जत लैनियां जे ते कुरान नाल प्यार पा लो, अल्लाह दे घरां नाल प्यार पा लो। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हां दे परवाने सैयदना फारूक आजम है रज़ी अल्लाह ताला अनु, बैतुल मुकद्दस दे अंदर दाखिल हो गया ने, अल्लाह ने इन्नियां इज्जतां अता फरमा दित्तियां ने। वेखन वाले साई कह रहे ने, कह लगे जेड़ा सवारी ते सवार ए हुक्मरान ते अमीरुल मोमिनीन ने, ते बड़े बड़े पोप पादरी जवाब देंदे ने, ओ आंदे ने ना ना ना, जेड़ा सवारी ते सवार है ओ हुक्मरान नहीं है,
असाडियां किताबा दसन डईयां ने जेड़ा सवारी दी मुहार पकड़ के आन वाला ए अमीरुल मोमिनीन बैतुल्ला फतह हो गया है। अल्लाह आज भी बैतुल्ला नू फतह नसीब फरमा देवे। फलस्तीन दे अंदर इसराइल जुलम ढा रहे है, निके निके मासूम बच्चियां नू ज़बह कीता जा रहा है, निके निके मासूम बच्चियां दे गले कट दे जा रहे ने, सूलियां ते टंग के जनाब तलवारां दे नाल टुकड़े टुकड़े कर दे नजर आ रहे ने। वेख लो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाहु ताला अनु, अल्लाह ने इज्जत अता कर दितियां ने। वेंदियां वेंदियां अमीरुल मोमिनीन कहन लगे अज अल्लाह ने इज्जत दितियां ने, खुशियां वाला दिन है मेरे ओ साथियो, तुहाडी कोई फरमाइश होवे ते पूरी कीती जाएगी। ते सारे नबी दे सहाबा कहन लगे अमीरुल मोमिनीन जी अज साडी फरमाइश है वे अपने प्यारे बिलाल नू आखो नबी दे जमाने वाली अजान अज सुना दे। अमीरुल मोमिनीन जी जनाबे बिलाल नबी दे बांगे नू आखो जरा अज नबी वालियां यादां ताजा कर देवे। ओ बिलाल जी हुजूर जी अमीरुल मोमिनीन की कहना चाहते जे। बिलाल अज मदीने वाली अजान ही सुना दे। ते बिलाल रो के आंदे ने अमीरुल मोमिनीन जी जिदन दे आमिना दे लाल जुदाइयां दे गए ने, मैं अजाना कहनियां बंद कर दितियां ने। अमीरुल मोमिनीन जी अगे जदो मैं अजान पढ़दा सा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आंदा सा, ते सामने आमिना दे लाल नजर आ रहे हुंदे सन। अज मैं अजान पढ़ांगा ते महबूब नजर नहीं आउणगे, की अंदाज होएगा। सहाबा खेड़े पै गए, नहीं प्यारे बिलाल अजान ते जरा पढ़ना। अजान कहनी शुरू कर देंदे ने, सहाबा दियां अखां डुल जांदियां ने। कोहराम मच गया है, सन्नाटा जिहा छा गया है। हिचकियां दे नाल अजान पढ़दे ने, रो रो के प्यारे अमीरुल मोमिनीन जमात करवा रहे ने। एक वेला ओ सी है वक्त दे हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन ने अपने दौर दे अंदर बैतुल मुकद्दस नो फतह कीता सी है। एदे बाद वेला गुजरदा जा रहा है, कई सदियां गुजर गई ने, कई सदियां बीत गई ने। 1099 दे अंदर इन्हां ईसाइयां ने फिर बैतुल मुकद्दस ते कब्जा कर लिया है। ते वेला थोड़ा जिहा और गुजरिया, 1187 दे अंदर सलाहुद्दीन अयूबी ने हिम्मत करके अपनी फौज नू तैयार किया है। नारा तकबीर बुलंद करके बैतुल मुकद्दस नू आजाद करा दिता है। वक्त थोड़ा गुजरिया फिर यहूदियां ने कब्जा कर लिया है। अज तक यहूदियां दा कब्जा है, और चाहिदा ए वे हुण दौर ऐसा आ गया है, वक्त ऐसा आ गया है, और साडे हुक्मराना नू करना चाहिदा के अपनी आवाम नू नाल लैके ए फलस्तीन दे अंदर चढ़ाइया कर देनिया ने, और इसराइल नो बतला देना चाहिए कि असी मुसलमान जिंदा वा, जब तक असी जिंदा रवांगे असी अपने मजलूम भाइयों ते जुलम होन देवांगे, अपने मुसलमान भाइयों ते जुलम ते ज़ियादती नहीं होन देवांगे। आओ मेरे भाई मेरे ओ बुजुर्गो मेरी ओ माओ बहनो, अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने मन का ना योरिये दुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमीया,
अगर इज्जत जांदे जे आवेख लो कुरान भी कह रहे आए सारी इज्जत अल्लाह को ले अल्लाह जिन्हों जांदे ने इज्जत ता फरमा देंदे ने आखरी बात नोट करके ले जाया जे अगर इज्जत जांदे जे अपने वडेरे मां बाप की इज्जत करे आ करो अगर वकार जांदे जे अपने वडेरे मापिया दियां खिदमत करे आ कर मैं ऐसे कमले वेखे ने जेड़े अपने मापिया नूं कुत्ता कुत्ता ते बिल्ला कह के बुलांदे नजर आउंदे ने माज अल्लाह अल्लाह दी कसम कई ऐसे बद नसीब ने जेड़े अपने मापिया नूं धक्के दे के ते घरों कढ दे नजर आउंदे ने कई ऐसे बद बखत ने आंदे ने अबू जान हफ्ता मेरे घर रह लै ते हफ्ता दूजे पुत्र दे घर गुजारा कर लै उधर बाप गया ते बाप नूं पुत्र आंदा आपा जी हफ्ता गुजर गया है हुण तीजे पुत्र दे घर चले जाओ अल्लाह दी कसम है जदों पुत्र इंज दियां गल्लां करदे ने हफ्ता मेरे घर ते हफ्ता उहदे घर गुजार लवो मापे जे आउंदे ही मर जाया करदे ने मापे कबर दी जगह लभदे नजर आउंदे ने मापे मरण दियां दुआवां करदे नजर आउंदे ने अल्लाह दी कसम है अगर इज्जत पाना चाहना ते मापियां दी कदर करे आ कर कुत्ते नूं चार दिन टुकड़े पाओ ना कुत्ते नूं चार दिन रोटी दे टुकड़े पाए जाने कुत्ता अपने मालक दी हया करन लग जांदा है कदे नूं चार दिन चारा पाइए अल्लाह दी कसम है गदा अपने मालक दी हया करदा है ओ जालिमा जिन्ना ने तेनू सारी जिंदगी अपने मुमलुक में कड कड के खिलांदे रहने आप भुखे रह के तेनू खिलांदे रहने आप जनाब फटिया पुराना पहन के तेनू नवे सूट पहनांदे रहने जालिमा उन्हां मापियां दी हया नहीं करदा बोलन लगे सोचदा नहीं मैं की कह रहा वां अगर इज्जत चाहते जे अपने मापिया की इज्जत करे आ कर वेख लिया मापिया की इज्जत करोगे ना अल्लाह के इज्जत अता करते ने शेखुल कुरान खतीबे पाकिस्तान हजरत मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखोपुरी कह दियो रहमतुल्लाह अलैह लोग इंडिया तो हिजरत करके आ रहे ने लोगों ने जनाब अपने सिरां ते माल चुक ले आए ते शेखुल कुरान नौजवान ने ते इन्हां दा बाप बीमार है इन्हां ने निकल दे आ माल नहीं चुकया अपने बुढ़े बाप नूं चुक ले आए शेखुपुरा दे अंदर आ गया ने ते जुमा पढ़ाने वास्ते मस्जिद दे अंदर आउंदे ने भाई तारक रेहान साहब गौर करन वालियां गल्लां ने ए जनाब शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह घरों अपने वडेरे बाप नूं कंधियां ते चुक लैंदे ने मस्जिद दे अंदर आ के अपने बाप नूं सामने बिठांदे ने मिंबर ते खलो के ते जुमा पढ़ांदे ने जुमा पढ़ा के फिर अपने बाप नूं कंधियां ते चुक लैंदे ने ए नहीं आंदे प्यो मरदा ही नहीं है ए नहीं आंदे प्यो मगरों ही नहीं लैंदा बीमार मेरा प्या होवे अल्लाह करे अज ही खत्म हो जाए माज अल्लाह ना 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 ए प्यारे शेखुल कुरान अपने प्यारे बाप नूं चुक के ते वापस घर लै जांदे ने ते बाप दुआवां देंदा है ए मेरे बेटे मुहम्मद हुसैन तू मैनू अज अपने कंधियां ते चुकन डिया है एक वेला आएगा ये बदले दे अंदर लेकिन लोकी तेनू अपने हाथों दे चुकते नजर आवणगे और वेखन वालिया वेखे आए लोगों ने शेखुल कुरान अपनिया तलिया ते उठाया है अगर इज्जत चाहते जे अपने मापिया के कदरदान बन जाओ अपने मापिया की इज्जत के हकदार बन जाओ तो इज्जत करया करो मैं गल मुकान लगा जे आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक नौजवान अपने बाप दियां शिकायतां लेके आया है। कहन लगा अल्लाह दे नबी जी मेरा वडेरा बाप जदो जी करदे जेड़ी शै ते दिल करदे चुग के लै आउंदा है, जिदे ते दिल करदे आ हाथ रखदे ते पकड़ के लै आउंदा है। अज भी वेख लो बड़े बड़े रुके भी आउंदे ने, हजरत साडा बाप जेड़ा मेरी बीवी दे पुछन तो बगैर फ्रिज खोल लैंदा ये जायज़ है? और जालमा ये गल करन तो पहला मर के आना गया तू? अज वडेरे डरदे ने मैं घर फ्रिज नू हाथ लाया ते किते मेरा पुत्र नाराज ही ना हो जाए। ये भी बेटा शिकायतां लैके आया है। आमिना दे लाल अली सलातो सलाम है, आका अली सलातो सलाम है, अपने परवाने नू भेज देने जाओ ना ये दे बाप नू ते जरा बुला के ले आओ। ओए प्यारियो जे औलाद मंगनी होवे ते रब कोलो नेक औलाद सवाल करया करो। एक साथी गल सुना लगा है, कह लगा मेरा एक अजीज है, मेरा एक यार दोस्त है ते मैं पुराना उन्हों जानना वा। मैं किसे मौके ते उन्हों जाके मिलया, मैं पूछया तेरे घर का हाल कैसा है, तेरी औलाद कैसी है, कैसा वक्त गुजरदा पिया। ते मैनू पता सी उहदा इक्को एक पुत्तर है, ते उहने जदों इन्नियां गल्लां सुनियां अखां उहदियां डुल गईआं ने। कहन लगा ओए मेरे सजना अगर मेरा खैर खां है ते मैं तेरे अगे एक अर्ज करना चाहना वा। ओ जेड़ा मेरा एक बेटा है जेड़ा दुआवां कर करके मैं रब कोलो ले आए, जेड़ा तरले कर करके मैं रब कोलो ले आए, अज मैं तेरे अगे तरला करना, रब कोलो दुआ कर अल्लाह मेरे पुत्र नू मौत ही दे देवे, अल्लाह मेरे पुत्र नू एक्सीडेंट ते मौत दे देवे। मैं पूछया खैर ते आवे? कहन लगा हो ना की है, मुआशरे दे अंदर महल्ले दे अंदर लोग मेरी इन्नी इज्जत करदे सन, उठ उठ के मिलिया करदे सन, अज मेरे पुत्र ने मेरी इज्जत खाक विच मला दित्ती है। एडा ना फरमान है, अज लोग मेरे नाल मिलना गवारा नहीं करदे। दुआ करया कर अल्लाह जे पुत्र देवे ते नेक पुत्र अता फरमाईए। अल्लाह जिन्ना दी औलादा ना फरमान ने अल्लाह औलादा नू हिदायत नसीब फरमा दे। अज जुमे ते पहला दो तीन बजुर्ग आए, यही रोना रोन डे सन के हजरत दुआ करया जे अल्लाह औलादा नू ताबे आदार बना देवे, असी औलादा वालों बड़े दुखी ते बड़े परेशान। आका अली सलातो सलाम फरमांदे ने जाए दे बाप नू ते जरा बुला के ले आ। अकाली सलाम दा परवाना बाप नू बुला के ले आ रहा है ते पता ते लग ही गया, शक पै गया केड़ी वजह तो अकाली सलाम ने बुलाया है। दिल दिल दे अंदर गल्लां पे आ सोचदा है ते कुछ शेर पे आ पढ़दा जा रहा है। जनाबे जिब्रील आमीन दे लाल दे कोल आ गया ने, अल्लाह दे नबी जी आ जड़ा तुहाडा वडेरा सहाबी आ रहा है इनू अपनी बात विच सुनाया जे, पहला ओदियां जरा सुन लिया जे, आउंदे आउंदे की कहिंदा आ रहा है। अकाली सलाम फरमांदे ने ओए अल्लाह वाले आउंदे केड़ियां गल्लां सोचदा आया है ते अखां इहदियां डुल जांदियां ने। कहन लगा अल्लाह दे नबी जी मैं की सोचना है, मैं वाला
केड़ियां गल्लां सोचनिया ने। असल दे अंदर मैं ते दिल दे अंदर सोचदा आ रहा सा, आ जड़ा मेरा बेटा तुहाडे कोल शिकायतां लैके आया है, मैं रब कोलो मंग मंग के इनू लिया सी है, मैं तरले कर करके दुआवां कर करके लिया सी है, ते फिर जदों पैदा होया बीमार हो जांदा ते सारी सारी रात जा के गुजार देंदे, ना रातां वेखियां ना दिन वेखे, इहदे नाल इन्ना प्यार करदे रह, आ वेख लवो ना अपने मुंहां विचों लुकमे कढ़ कढ़ के असीं अपने पुत्तर नूं खिलांदे रह, इहदियां खुशियां नाल साडियां खुशियां ने, इहदी गमी नाल साडियां गमियां ने, अज जवान हो गया है ते मेरियां शिकायतां लै के तुहाडे कोल आया है, चल मैनूं अपना बाप ना समझे, ओए गवांडियां नूं वी ते बंदा रोटी दे ही देंदा है, गैरां नूं वी ते बंदा खाना दे ही दिया करदा है, चल अपना बाप समझ के ना मैनूं खाना दवे, गैर समझ के हमसाया समझ के मैनूं नुकरे बिठा के रोटी दियां पुरखियां दे दिया करे, ओ चल मुलाजम ही समझ के मैनू खाना दे दिया करे, मैं अपनी जिंदगी दे चार दिन गुजार के टुर जावांगा, अल्लाह दी कसम में असी ते नहीं ना कदर कर दे, उन्हां नू पुछ जिन्हां दे मापे दुनिया तो चले गए ने, पुछ यतीम कोलों जाके मापे ओ मरे जिन्हां दे दर दर रुल दे तके खांदे ना सर पैर ते नांदे ते तन मन नंगा कोई नहीं पुछदा सर्दी मार मुकाया जे मां हुंदी गल नल लांदी है ते कर दी रहम सवाया ईद दिहाड़े मापे वाले ऐशां खुशियां कर दे मापे बाज यतीम नूं माने रो रो हौके पर दे मन का ना योरिए दुल इज्जत मन का ना योरिए दुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमीआ अगर इज्जत चाहते जे रब दे करां नाल जुड़ जाइए, इज्जत चाहते जे कुरान नाल प्यार पा लईए, इज्जत चाहते जे आ वेख लो अपने माँ बाप दियां खिदमतां करिया करो, अपने बुढ़े माँ बाप की इज्जत करिया करो, इंशाल्लाह जद अमाल करन लग पवांगे अल्लाह सानू दुनिया ते भी इज्जतां अता फरमा देंगे, कियामत वाले दिन भी अल्लाह जुल जलाल इज्जतां अता फरमा देंगे। अल्लाह दे हुज़ूर दुआ है अल्लाह सानू सारे नूं किताबो सुन्नत नूं समझ के सही मानिया दे अंदर ए देते अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।